क्यों बीमार पड़ती हैं महिलाएं, बता रही डॉक्टर मोनिका। आप देख रहे हैं आरबीएम न्यूज चैनल, गुड़गांव से सुरेंद्र प्रताप के साथ। धन्यवाद। शुरू जी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मोनिका कालीगमन है। मैं पिछले 15 साल से नेपाल बिहार गुरुग्राम में मोनिका हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करती हूँ और कई संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ। मेरी मेन संस्था नेशनल ग्रीन टीम है और इसमें मैं, इस संस्था की वजह से मुझे गांव-गांव जाकर कैंप लगाने का मौका मिलता है। और जहाँ तक मैंने देखा है कि जैसे जाके पेशेंट देखते हैं महिलाओं को, तो उनमें मैंने देखा है कि महिलाओं में बहुत ज़्यादा हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम है। उनमें अवेयरनेस नहीं है, हेल्थ के प्रति बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है। छोटी मोटी बीमारी होती है तो वो जाके दिखाती नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट ने काफ़ी सुविधाएं दे रखी हैं, लेकिन उन सुविधाओं का या तो लाभ ही नहीं उठाती। उनको पता ही नहीं होता कि उनको वो बीमार है या उनकी कुछ प्रॉब्लम है। जब हम चेक करते हैं उनको तो उनकी बहुत ज़्यादा दिक्कतें निकलती हैं। आजकल ग्रामीण एरिया में बीपी और क्या कहते हैं डायबिटीज, ये काफ़ी मात्रा में बहुत ज़्यादा बीमारियां होने लगी। पहले ये शहरी इलाकों में होता था, लेकिन चूँकि औरतें अपनी स्वास्थ्य के प्रति अवेयर नहीं है, अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखती हैं, उनमें खून की कमी होती है और क्या कहते हैं, इस वजह से उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। परिवार नियोजन के प्रति अवेयर नहीं है महिलाएँ। तो हमारी संस्था का मेन मकसद है महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के प्रति अवेयर करना और परिवार नियोजन के प्रति उनको अवेयर करना, उनको समझाना, उनकी काउंसलिंग करना। बीमारी के संबंध में बताया कि महिलाओं में ज़्यादातर किस क्या बीमारी पाई जा रही है? महिलाओं में सबसे ज़्यादा जो मेन है वो खून की कमी है। महिलाओं में खून की कमी और हाइजीन की प्रॉब्लम, उनको इन्फेक्शन, यूरिनरी इन्फेक्शन, PID वगैरह बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है उनको। तो उपाय बताएं क्या करने चाहिए उनको। उपाय ये करना चाहिए कि क्या कहते हैं, सबसे पहले अपनी सेहत का ध्यान रखें। हमारे हिंदुस्तान में महिलाओं की ये मेंटेलिटी है कि पूरी परिवार का वो ध्यान रखती है, अपना खुद का नहीं रखती। अपने खान पीने के प्रति वो क्या कहते हैं सावधानी नहीं। खान पीन में क्या खाएं, क्या खाने पीने में हेल्दी डाइट लें, क्या कहते हैं हरी सब्जियाँ वगैरह, दूध दही वगैरह ये लें। इनकी मात्रा के बिना औरत की सेहत नहीं सुधरती है। औरत को मैक्सिमम आयरन कैल्शियम की जरूरत होती है, जो कि उनके खाने में ये कमी रही जाती है, वो नहीं ले पाती है। उनको उनके प्रति जागरूकता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि क्या लेना है क्या नहीं लेना। परिवार नियोजन के बारे में बताएं कि क्या महिला पालन हो रहा है हरियाणा में परिवार नियोजन? हरियाणा में काफ़ी एरिया में तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है कि महिलाएं अवेयर हैं परिवार नियोजन के प्रति, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं मेवात साइड में जहाँ महिलाएं अवेयर नहीं हैं, वहाँ परिवार नियोजन बिल्कुल नील है। उनको पता ही नहीं है कि वो जानबूझ के भी नहीं करना चाह रही परिवार नियोजन। तो हमारी सरकार का ने योजनाएं तो काफ़ी अच्छी बना रखी है, लेकिन उन योजनाओं को सुचारू रूप से पालन नहीं हो पा रहा है। NM वगैरह जो अपनी ड्यूटी नहीं निभाती हैं, उनकी फ़र्ज ये है कि वो घर घर जाएं और महिलाओं को इसके प्रति जागरूक करें। इनकी क्या कहते हैं, ज़्यादा बच्चे पैदा करने से उनकी सेहत पे क्या असर पड़ता है, समाज पे क्या असर पड़ता है, इसके बारे में काउंसलिंग करें तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। भ्रूण हत्या के प्रति यहाँ क्या जागरूक हुए हैं लोग? भ्रूण हत्या के प्रति कुछ परसेंट हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर नहीं, क्योंकि हमारे समाज की मेंटेलिटी ये है आज भी उनको लड़का ही चाहिए। और आजकल जो एजुकेटेड पर्सन है उनके साथ और भी प्रॉब्लम, उनको एक बच्चा चाहिए वही लड़का चाहिए। तो ये समस्या मुझे नहीं लग रहा कि इसका समाधान हो पा रहा है, ये दिन पे दिन गंभीर होती जा रही है समस्या। महिलाओं का राजनीति में कैसा रुझान है, क्या महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए? महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन महिलाएं राजनीति में अभी भी नहीं के बराबर हैं। और जो कुछ थोड़ी बहुत महिलाएं राजनीति में हैं वो अपनी वजह से नहीं है, वो अपनी फैमिली की, अपने हस्बैंड की, उसकी वजह से। जैसे कहीं क्या कहते हैं रिजर्व सीट हो जाती है महिलाओं की, तो वो उस रिजर्व सीट पे जो उसका जो हस्बैंड होता है उसकी वजह से वो अपने वाइफ को उठा देता है। तो महिलाएं अपनी टैलेंट की वजह से राजनीति में नहीं है, अपनी फैमिली हस्बैंड की वजह से राजनीति में। तो इस चीज़ के लिए क्या कहते हैं हमारी संस्था महिलाओं को घर घर जाके या कैंप लगा के अवेयर करती है उनकी सेहत के बारे में, परिवार नियोजन के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में, कि महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी दें, कि अपनी लड़कियों को पढ़ाएं ताकि वो जागरूक नागरिक बने और अपना जो जीवन है वो अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चलाए और अपने बच्चों को भी अच्छा एजुकेशन दे पाए। पढ़ी लिखी महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? पढ़ी लिखी महिलाओं को यही मैं संदेश देती हूँ कि आप सोशल वर्क अपने पहले अपने घर से करो,
अगर आपके पास कोई वर्कर है, मेड है, काम वाली है, तो आप उसको अवेयर कर सकते हो, आप उसकी काउंसलिंग कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप इस लेवल पे भी हर एक महिला अगर ये करने लगे, एक दो को भी अगर हम काउंसलिंग करती है, कोई एजुकेटेड महिला है, वो किसी अनएजुकेटेड को या कुछ भी ऐसे किसी महिलाओं को जो जागरूक नहीं है, उसको एक दो को भी अगर हम जागरूक करें तो बहुत कुछ हो सकता है समाज में बदलाव। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.